राम राम किसान भाइयों, मैं भरत गहलोत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर्स में। किसान भाइयों, आज 12 मार्च 2023 हमने बहुत सारे वीडियो में आपको कच्चे आलू की खुदाई दिखाई, फिर बाद में पक्के आलू की खुदाई दिखाई, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, आलू के ताज़ा तरीन रेट के बारे में भी दिखाया, कोल्ड स्टोरेज की पोजिशन दिखाई। लेकिन अभी गुजरात की मैं बात करूँ, बनासकांठा में जो लेट फसल थी, जो अभी 25-30 लाख पैकेट लोग बोल रहे हैं कि खुदाई बचा हुआ है, तो वो लेट फसल की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैं अभी एक किसान के खेत में आया हूँ जो गुजरात के बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डिसा तहसील में वडावल गाँव। और अभी किसान के खेत में आलू की खुदाई चल रही है, तो सबसे पहले तो हम आलू का जो अभी खुदाई चल रही है उसमें कैसा आलू निकला है वो पहले देख लेते हैं। तो कैमरा से दिखाओ किसान भाइयों को कि अभी वो फसल कैसी है। तो आप कैमरे पे देख पा रहे होंगे कि जो आलू के जो दाने हैं, ये पहले तो बात कर लूँ तो ये सुखियाती आलू है जो राउंड शेप में आता है। तो उसका जो आलू है तो आप देख पा रहे होंगे कैमरे पे कि जो उसका साइज है वो बिल्कुल कम है। और एक बात और बता दूँ कि ये जो आलू है अभी जिसका खुदाई हो रहा है, उसका पहले भी वीडियो मैंने जो उसका जो 60 दिन का क्रॉप था वो बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा, तो उसकी वजह से आपको पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो आलू की जो साइज है वो बिल्कुल कम है, क्योंकि ये लेट वाली फसल में आलू का जो अला है वो जल्दी से ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से साइज नहीं बन पा रही। तो किसान भाइयों, अभी जो 25-30 लाख पैकेट की जो खुदाई बची है उसमें भी शायद पैदावार में कटौती आएगी, ऐसा मेरा मानना है। हम खेत में ट्रैक्टर भी चल रहा है तो ट्रैक्टर के पीछे जाके भी देखेंगे कि आलू का जो साइज है या तो आलू की पैदावार है वो कैसी दिखाई दे रही है। तो देखो किसान भाइयों, ट्रैक्टर आ रहा है तो इनको दिखा देते हैं। ये देखिए, आप ट्रैक्टर से भी पीछे देख पा रहे होंगे कि जो आलू है, आलू का जो संख्या है मतलब ट्यूबर्स है वो मेरे हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन आलू का जो साइज है वो बिल्कुल छोटी छोटी है, उसकी वजह से पैदावार जितना मिलना चाहिए इतना मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे आगे आगे ट्रैक्टर चल रहा है। तो जो लेट वाली फसल है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि उसका जो साइज बनना चाहिए इतना नहीं बना है, उसकी वजह से पैदावार में भी कटौती आएगी। तो आज जो जिस किसान के खेत में हम आए हैं वो किसान भाई भी खेत में है, तो किसान की राय भी जान लेते हैं कि उन्होंने कब ये आलू लगाया था और उसमें कैसी कैसी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, और उनके हिसाब से ये आलू की पैदावार पिछले साल से ज़्यादा है या कम है वो भी जान लेते हैं। चलो किसान भाई से मिल लेते हैं। किसान भाई अभी खेत में काम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए आइए। ठीक है ठीक है, धूप भी ज़्यादा है और आप काम कर रहे हैं, तो पहले तो आलू दिखा दीजिए जो अभी जो ढेरी लग रही है छोटी छोटी वाली। तो आलू का जो साइज है वो कम है, लेकिन उसका जो लाइट है वो अच्छा है। और अभी गुजरात में 2-3 दिन से आलू के रेट में बढ़ोतरी आई है, तो किसान भाई को भी अच्छा रेट मिल जाए ऐसी मेरे को आशा है। तो चलो किसान भाई से ही पूछ लेते हैं कि उनका क्या राय है। पहले तो खड़े हो जाइए, पहले तो अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहनलाल वरदाजी गहलोत जी, मालगढ़ वडावल इलाका लग रहा है। ठीक है, ये वडावल गांव के मोहन भाई है जो किसान का नाम है। तो मोहन भाई, आपने जो ये आलू लगाया था वो मैंने सुनने में आया है कि आपने दिसंबर महीने में कौन सी तारीख को लगाया था? दिसंबर एर बोया जानुआरी दो तारीख हाँ दिसंबर बे तारीख बार दिसंबर दो तारीख जानुआरी नहीं किसान भाई भूल गए शायद दिसंबर मतलब बार जो नवंबर के बाद दिसंबर आता है, दिसंबर की दो तारीख या तीन तारीख को उन्होंने बुआई किया था, मतलब आज से लगभग 2 महीना 10 दिन पहले। 3 महीने 2 महीना 10 दिन पहले, कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। तो ये जो आलू है, आलू में जो आपका अभी खुदाई चल रहा है, तो ये साइज आपके हिसाब से कम है या ज़्यादा है?
ना कम है, कम है, कम है। हाँ तो ये जो साइज कम है तो उसकी वजह से शायद मेरे हिसाब से लगता है कि जो 2022 के साल में जो इस खेत में जो पैदावार आई थी उससे मेरे हिसाब से कम आएगी, लेकिन आपका क्या कहना है? ना कम है, कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। हाँ। तो कोई बात नहीं, आलू नहीं है, आलू कम है, साइज कम है, ठीक है। दूसरी बात बता रहा हूँ कि मैंने आगे वाले दो वीडियो में जो गुजरात में अभी जो रेट के रेट में बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में जो बताया था, तो कई किसान सवाल खड़े कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आलू में बढ़ोतरी, आलू के रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो हम आज खेत किसान के खेत में आए हैं, किसान के मुँह से ही सुन लेते हैं कि सही में आलू के रेट में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। तो किसान भाई से पूछ लेते हैं। तो मोहन भाई, हमारे किसानों को बताइए, पूरे भारत के किसान आपकी तरफ देख रहे हैं, इनको बताइए कि पिछले 2-3 दिन से हमारे यहाँ बनासकांठा में जो आलू का रेट है उसमें बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई? ना, बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है आलू का रेट, बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ। पहले कोई लेने नहीं आता था, अभी 3-4 फोन आ गया, कब खोद रहे हो, कब कब बेच रहे हो, तो बेचना हो तो हमको बताना, हमको बता के बेचना, भाव हम भी ज़्यादा देंगे, 3-4 फोन आ गए, ऐसा है। हाँ। मोहन भाई का कहना है कि पहले एक हफ्ते पहले की बात करें तो कोई व्यापारी या तो व्यापार कोल्ड मालिक आलू लेने नहीं आता था, बार बार फोन करने पर भी, ये मैंने अगले पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन अभी का पोजीशन ये बना है, किसान भाई भी कह रहा है और मैं भी कह रहा हूँ कि अभी आपका आलू अगर कोई किसान का लेट वाला फसल अभी खुद रहा है तो उसको पहले से 2-4 फोन आ जाते हैं कि आपका आलू कब निकाल रहे हैं, आपको बेचना है कि नहीं बेचना है, अगर बेचना है तो हमें फ़ोन करके बेचना, डायरेक्ट मत बेचना, मतलब कि आलू की रेट और डिमांड दोनों में बढ़ोतरी हुई है, ये सच बात है, आपने किसान से मुँह से भी सुना। और अभी ये जो आपका आलू है अगर आप बेचना चाहो तो कितना आपको भाव मिल सकता है? अभी एक ख्याति है, ख्याति है, राउंड शेप वाला, राउंड शेप वाला है वो, 160 रुपया तक इसकी जो कीमत की जाती है, 160 रुपया। और पहले इसका रेट कितना बताया था? पहले 110, बस 110 से 15 ख्याति, मैंने अगले भी दूसरा कुआ था वहाँ बेचा है, 110-15 में बेचा है उनका दूसरा भी कुआ, मतलब हमारे गुजराती में कुआ बोलते हैं जिसको खेत बोलते हैं हम हिंदी में, उनके दूसरे भी खेत है वहाँ, उन्होंने पहले खुदाई किया था तो उसका जो ये जो सुख्याति वाला आलू 110 रुपये में बिक्री हुआ था, लेकिन उससे भी ये जो आलू निकला है उसका साइज कम है, उसकी क्वालिटी उससे भी कम है, फिर भी उस ये आलू का रेट किसान भाई का कहना है कि 150 से लेके 160 रुपये 20 केजी तक उसका सौदा हाल ही में हो सकता है, ठीक है ना? यही बात है ना? वही वही। तो आप अपने किसान के मुंह से सुना कि जो रेट है वो अभी 20 केजी पे कम से कम माने तो 50 से 60 रुपया बढ़ गया है, और किसान भाई से ये भी जानेंगे कि आप भी कई किसानों के साथ मिलते होंगे, व्यापारियों से भी मिलते होंगे, तो आपको ऐसा कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में आलू के रेट में कुछ बढ़ोतरी होगी? नहीं, अभी स्टोर खाली पड़े हैं, ठीक है, स्टोर स्टोर में बहुत जगह है, बहुत जगह 70% भरा हुआ है स्टोर है, कोई स्टोर में 25,000, कोई में 50,000 आया है, पूरा स्टोर में, कोई में 1,00,000 आया है, कोई में 1.5 लाख आया है, बाकी स्टोर बहुत खाली है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी सब बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि स्टोर खाली है वो समझ गए हम लोग, हम भी घूमते रहते हैं तो ये बात सही है आपकी, किसी में 25,000 का पैकेट की जगह है, किसी में 50,000 की जगह है, वो बात सही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आलू के रेट में बढ़ोतरी होगी, तेजी आएगी? तेजी, बहुत बहुत तेजी आएगी। कहाँ तक आएगी, कहाँ तक आएगी? ये आलू 250 रुपये जाएगा, 250 रुपये तक जाएगा, ये किसान का भरोसा है, लेकिन जाएगा जाएगा, लेकिन 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 मैं एक बात आपको साफ कर दूं कि सब कुछ अपने कहने से नहीं होता है, मार्केट में डिमांड भी होनी चाहिए, आलू की जब डिमांड बढ़ेगी तो आलू का रेट 100% बढ़ेगा। किसान भाई का ऐसा कहना है कि 250 रुपये तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा अनुमान है 150 से लेके 200 रुपये तक तो पक्का जाना ही चाहिए, ये मेरा आकलन है, किसान भाई का आकलन अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा आकलन ये है कि आने वाले हफ्ते में ये आलू, इनके जैसे जितने भी लेट फसल वाले किसानों का आलू है वो 150 से लेके 200 रुपये 20 केजी के हिसाब से
जाना चाहिए, लेकिन भविष्य कोई नहीं बता सकता। आने वाले वक्त में आलू के रेट में कितनी बढ़ोतरी होगी वो तो आने वाला वक्त भी बताएगा, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप सबका धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखे ऐसे ही मैं आशा रखता हूँ, और आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान।